फर्स्ट स्टेप में दोस्तों हम लोगों ने आज अभी सुबह सुबह जाना है, हमने बातें करी हैं कि हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें अपना ग्रुप बढ़ाना है, नेटवर्क अगर हमें आगे ज्यादा बड़ा करना है, हमें कस्टमर एसोसिएट ज्यादा बड़ा बनाने हैं ताकि हमारा नेटवर्क बड़ा हो, उसके लिए ये दो काम तो करने ही है, कस्टमर और एसोसिएट बनाने हैं। बट ये होगा कैसे, उसके लिए हमें तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स पे हमने बात करी थी। तो आज हमने सुबह जानना है कि लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिस्ट बनाने के लिए हमने बात करी थी कि हमारे चार मार्केट होते हैं, लिस्ट हमें किस तरीके से बनानी है, कौन से मार्केट को हमें पहले कवर करना है, और ये भी समझा था कि लिस्ट बनाते समय उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग लिस्ट, हमें लिस्ट क्यों बनानी चाहिए। एंड पार्ट टू में दोस्तों आज हम लोग, मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अप्रोचिंग टेक्निक क्या है। और तो हमने इसमें लास्ट वीक में बात करी थी, फ्राइडे सैटरडे हमने इसके ऊपर बात किया है, सैटरडे के ऊपर। तो मैं आज क्लोजिंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करूंगी कि आपकी क्लोजिंग कैसे ज्यादा बढ़े, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ें, जिससे आपका नेटवर्क और आपका, हम बात करें तो कस्टमर कैसे ज्यादा बढ़ेगा, आप बिजनेस में ग्रोथ कैसे लेके आ पाएंगे, उस पर फोकस ज्यादा करेंगे। तो दोस्तों पार्ट टू जो था हमारा, उसमें हमने जाना था अप्रोच कैसे करे जाए लोगों को, कैसे हम लोगों को बिजनेस में लेके आए, सेमिनार्स में लाएं, वन टू वन मीटिंग या होम मीटिंग में आप कैसे बुलाएं। तो ये हमने समझा था पार्ट टू में, जहाँ पे तीन तरीके से हमने यहाँ पे स्टेजेस में ये चीज समझी है। मैं रिकैप कर रही हूँ, स्टेजेस में हमने समझा है कि सबसे पहले बहुत जरूरी है कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को, आपने लिस्ट बनानी, आपने लोगों की लिस्ट बनानी, अब आप जब उससे मिलने जा रहे हो, तो मिलने से पहले आपकी तैयारी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी करें, और अपनी तैयारी में आपको क्या क्या चीजें देखनी है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखना है कि आर यू कॉन्फिडेंट इनफ जो आप आज चीज बताने जा रहे हो प्लान प्रोडक्ट के बारे में, खुद को आपको बिलीव होना चाहिए, आपका एटीट्यूड आपने देखना है, एनर्जी हाई होनी चाहिए, राइट। सो ये सारी चीजें, एंड रिजेक्शन पर्सनली नहीं लेना है, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए। तो ये चीजें आपकी तैयारी में बहुत जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने ये जाना था कि ये जितने भी लोग हैं जो, जिनसे आप मिलने जाते हो, जब आप जाते हैं मार्केट में, तो अलग अलग तरीके के जो लोग मिलते हैं, ये किस तरीके के होते हैं, इनके गुण क्या क्या है, इनके ट्रेड्स क्या क्या है, तो वो हमने समझे हैं। ये चार तरीके के लोग होते हैं, एक्सप्लोरिंग, राइट, जो खोजी लोग होते हैं, जिनको हर चीज डेप्थ में जाना है, प्लान बताओ, प्रोडक्ट कहाँ से आया, सर्टिफिकेट दिखाओ अपना, आप स्टेटमेंट दिखाइए, ऐसे लोग जो हर चीज डेप्थ में जानते हैं, राइट। तो एक्सप्लोरर वाले लोग हो गए, एक्सप्लोरर हो गए, उसके बाद फन लविंग हो गए, मौज मस्ती वाले लोग भी मिलते हैं, सोशल सर्विस करने वाले लोग भी आपको मिलते हैं, और महत्वाकांक्षी लोग जिनके सपने बड़े बड़े हैं। तो कैसे आपको उनसे बात करनी है, आपको अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करना है, राइट। तो आपने अप्रोच किया, लोगों को जाना, और अपॉइंटमेंट हमें कैसे फिक्स करनी है, उसके लिए छह गोल्डन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताए थे कि जब आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं तो छह चीजें हमें कौन कौन से ध्यान रखनी है। कॉन्फिडेंस लेवल देखना है, आपको फोन जल्दी रखना है, ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करनी है, डेट और टाइम आपको फिक्स करना है, लोगों को अप्रिशिएट कीजिए। मैं आपसे आज सुबह ही बात कर रही थी कि अगर कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को नहीं जानते हो, और आप शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, क्या बात करें, और आपको क्लोजिंग भी करनी है, आप वन टू वन करने गए हैं, तो शुरुआत यहीं से कीजिए। आप लोगों की तारीफ करिए, राइट, सच्ची तारीफ करना, लेकिन घर अच्छा दिख रहा है तो अप्रिशिएटेड कि आपका घर बहुत अच्छा लग रहा है, आप कैसे मैनेज करते हैं। सो ये आपको देखना है, आप फीमेल है तो आप बता सकते हैं, आपने घर बहुत अच्छा मैनेज किया है, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अब भैया ये आप देख लेना कि वहां पे मेल फीमेल की तारीफ कर रहा है, फीमेल मेल की तारीफ कर रहे हैं, वो अपना ध्यान हमें रखना है, वहां पे आप किसको किस तरीके से ग्रीट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। सो इससे आपका क्या है, वो व्यक्ति कंफर्टेबल हो जाएगा। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को हमेशा याद रखो, लोगों को कंफर्टेबल करना है, और कंफर्टेबल कब होता है, जब आप उससे बातचीत करते हो, उसकी तारीफ करते हो, और फिर वो बोलना शुरू करता है, तो लिसन देम, उनको सुनिए, पहले उनको बोलने दीजिए कि उनके लाइफ में क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या उनको हेल्थ की प्रॉब्लम है, क्या उनको पैसा चाहिए, क्या वो, उनके पास सोशल नेटवर्क नहीं है, अकेला फील करते हैं, या कोई जैसे महिलाएं होती हैं घर में, नेटवर्क नहीं है, बच्चे सेटल हो गए हैं, पति काम कर रहे हैं लेकिन घर में अकेली हैं, राइट। नाम चाहिए, फेम चाहिए, क्या चाहिए जानिए, तो वो कब जानोगे, जब आप उनको बोलने का मौका दोगे। हम अपना सेट रिकॉर्डर टेप बिल्कुल तैयार करके जाते हैं, जैसे गए टेप रिकॉर्डर प्ले करिए और बोलना शुरू कर देते हैं, और जयराम जी की खत्म करके आते हैं, पता ही नहीं चलता है कि बंदे को क्या चाहिए और हम क्या देने जा रहे हैं। सो बोलने दीजिए, राइट। सो इससे आपको पता चलेगा। तो अपॉइंटमेंट हमें फिक्स करनी है, ये तीन चीजें पार्ट टू का बहुत बड़ा हिस्सा है।
ये हम कई दफा बात कर चुके हैं इसके ऊपर, हमने इसके ऊपर बहुत सारी लास्ट वीक में भी इसके ऊपर बात करी है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट ये है जो मैं आज सुबह भी कह रही थी कि अगर आप अपने घर से गए हैं, आपने किसी से बात करी है और कोई व्यक्ति आपने अप्रोच करने के बाद कोई आपको बोलता है कि मैं कल बताऊंगा, मैं पूछ के बताऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं, एक्सक्यूजेस देता है, तो उस व्यक्ति के साथ क्या करना है, उसके साथ फॉलो अप करने का क्या तरीका है जिससे आपकी क्लोजिंग बढ़े। क्योंकि दोस्तों मेरी नजर में अगर आपने क्लोजिंग नहीं करी और आपने समय लगाया है तो आप अपना समय वेस्ट करके आ रहे हैं। अगर आपकी क्लोजिंग नहीं हो रही है, आप किसी को प्रोडक्ट नहीं देके आ पा रहे हैं, तो उसके लिए फॉलो अप एंड क्लोज करना, उसका टेक्निक क्या है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आई एम श्योर आप सभी लोग क्लोज सेल को क्लोज करने के लिए रेडी होंगे और जानने के लिए रेडी होंगे कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे गेट स्टार्टेड जो सीरीज है जिसमें हम सीख रहे हैं कि कस्टमर्स और एसोसिएट्स का नेटवर्क हमें कैसे बढ़ाना है, राइट, जो हम सीख रहे हैं, तो उसके लिए आपका, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस बढ़े तो ये मैसिवली बढ़ेगा। ये बहुत बढ़िया तरीके से बड़ा होगा कि अगर आप प्रोस्पेक्ट को क्लोज करना सीख लेंगे। दोस्तों हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्टाइल होता है, हर आदमी की पर्सनैलिटी अलग होती है, राइट। तो कोई लोग मजाक में, हंसी मजाक में मजाक करते करते बात करते करते क्लोजिंग कर लेते हैं, राइट, या कोई थोड़ा सीरियस होके। हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन कुछ सिंपल क्लोजिंग टेक्निक होती है, कुछ टेक्निक्स हैं जो हर जगह काम आएगी, हर आदमी के साथ काम आएगी, हर जेंडर के साथ काम आएगी, कोई भी एज है, कोई भी ग्रुप है। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो आप कहीं भी चलाओगे वो चल जाएंगी, और ये टेक्निक्स आपकी क्लोजिंग को बहुत ज्यादा गुना बढ़ा देगी, राइट। ये मेरी गारंटी है कि आपका परसेंटेज डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा और आप ज्यादा क्लोजिंग कर पाएंगे कम समय में। नाउ कई बार आपने देखा है जब आप किसी व्यक्ति से मिलने जाते हो और आपने प्रेजेंटेशन दे दी, आपने बात कर ली, सारी बातचीत आपने बता दी, और एक सिचुएशन आती है, ये जो व्यक्ति देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, ये एक सिचुएशन अगर आपके साथ भी आती है कि आपने सारी चीजें शेयर कर ली, सब बता दिया, अपॉर्चुनिटी शेयर कर ली, और दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है आपके कि यार अब मैं इसको साइन अप के लिए कैसे बोलूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं कि ये मुझे ज्वाइन कर ले, अगर ये स्थिति आपके साथ भी आती है तो इसमें करना क्या है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में मैं आज जो आपको 12 पावरफुल टिप्स देने वाली हूँ फॉर पावर क्लोजिंग, ये आपको डेफिनेटली क्लोज, आपको हेल्प करेगी आपकी सेल को क्लोज करने में। और डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा एक बड़ी कहावत है, कहा जाता है कि क्लोजिंग नहीं तो कुछ नहीं, राइट। तो ये आज हम सीखेंगे दोस्तों, ये बहुत ध्यान से आप इसको सीखिएगा, लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको किसी भी व्यक्ति के साथ, जब भी आप कभी भी क्लोजिंग करने जाएंगे किसी के साथ, बैठे होंगे प्रोस्पेक्ट के साथ, होम मीटिंग में, वन टू वन में, हमेशा काम आएंगे। तो सबसे पहला मंत्रा, पावरफुल टिप नंबर वन दोस्तों हमेशा ये कहता है कि कभी भी अपने आप को इमोशनली अटैच ना करें कि जो भी आउटकम हो, व्यक्ति आपको हाँ बोले ना बोले हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको इमोशनली अपने आप को कभी अटैच नहीं करना है, और ये समझ लेना है कि उस व्यक्ति ने आपको जो नो कहा है, राइट, वो आपको पर्सनली नहीं बोला है। हो सकता है उसको आईएमसी प्रोडक्ट समझ नहीं आए, उसको अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आई होगी, तो उसको सर्विसेज पसंद नहीं आए होंगे, उस दिन उसका दिमाग खराब है, उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा, नहीं समझ में आया उसको, सो इमोशनली अटैच मत होइए। और कोई और भी व्यक्ति जाता तो हो सकता था वो उसको भी मना ही करता, जरूरी नहीं उसने आप ही को मना किया, तो कभी ये मत सोचिए यार इसने मुझे क्यों मना कर दिया, मैं तो इतना बढ़िया बता रहा था, हाँ ये चलता ही नहीं है फंडा, मैं नहीं करूंगा। तो कभी भी नेगेटिव थॉट्स मत लेके आइए, क्योंकि हो सकता है उसको कुछ समझ में नहीं आया है, तो नेवर एवर अटैच। दूसरा चीज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पॉजिटिविटी। मैं बहुत बार बोलती हूँ, और जब भी आप अपने घर से निकल रहे हैं, अब तो हम घर में हैं, लेकिन जब भी आप घर में हो या प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, फोन पे कर रहे हैं, या भले आप घर में बैठे हो, अब आप जूम पे कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन का जमाना है, तो हमेशा याद रखो और अज्यूम करो कि व्यक्ति आपको हाँ ही बोलेगा, जिससे भी आप बातचीत करोगे ना वो आपको हाँ ही बोलेगा। बिलीव मी दोस्तों ये बहुत ज्यादा काम करती है ये टेक्निक, जब भी आप ऐसा अज्यूम करते हैं, ये क्लोजिंग में आपको हेल्प करती है। कैसे दोस्तों, हमेशा जब भी आप अच्छा सोचते हैं तो ये एक कॉन्फिडेंस और एक ऑप्टिज्म आपके अंदर शो करता है, राइट। आप कॉन्फिडेंट फील करते भी हो और सामने वाला व्यक्ति भी फील करता है, जब आप कॉन्फिडेंस खुद होते हैं, जब आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंट होता है ना कि यस आज मैं जा रहा हूँ, आज मैं इससे बातचीत करने जा रहा हूँ, मैं प्लान दिखाने जा रहा हूँ, डेफिनेटली ये बंदा मेरे साथ जुड़ेगा। तो इससे क्या होता है, इससे आप एक पॉजिटिविटी अपने तरफ एक एनवायरमेंट बनाते हो, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट बनता है, और नेगेटिव एनर्जी को आप एमिट करते हो,
और साथ वाला व्यक्ति या आप फोन पे भी जब बात करते हो ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा काम करती है. बिलीव मी, 70% इज योर बॉडी लैंग्वेज और 30% आपके शब्द होते हैं. अगर वो फोन पे भी सुन रहे हैं ना तो वो पॉजिटिविटी उसमें नजर आती है और बंदा समझता है कि यस, कि अगर मैं इस व्यक्ति के साथ जाऊंगा तो डेफिनेटली मेरा काम हो जाएगा, या मैं सही जगह जाऊंगा अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं. तो एक ये साइकोलॉजी है, हम इच्छा मान के चलिए कि व्यक्ति आपको यस ही बोलने जा रहा है. होता है ना, जब हम कभी घर से निकल रहे होते हैं तो हम किसी को बोलते हैं यार ना तो मत बोल, है ना, मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ये बढ़िया ही होगा. तो हमेशा यही मान के चलिए. क्लोजिंग टिप नंबर 3, अब आप किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं, आपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हैं, ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, आपने प्लान बता दिया, आपने प्रोडक्ट बता दिया, डेमो दे दिया. अब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधा क्लोजिंग पे जाएं, सीधे उससे साइनअप की बात करें या आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने की बात करें, उससे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आपके सामने वाले प्रोस्पेक्ट को क्या उसके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, उसका कोई डाउट तो नहीं बचा है, उसके दिमाग में कोई सवाल तो नहीं बचा है. तो सिंपल क्लोजिंग करने से पहले आपको ये जान लेना है कि उसके कोई सवाल तो नहीं है, और उसके लिए क्या करना है, आपको उससे क्वेश्चन पूछना है. और क्वेश्चन क्या पूछना है, कि क्या आपके कोई और सवाल है जिनके मैं जवाब दे सकता हूँ. आपने अपना डेमो दिखा दिया, प्रोडक्ट प्लान बता दिया, अब उससे पूछिए क्या आपके कोई और सवाल है जिनका मैं आंसर कर सकता हूँ. इससे क्या होगा, उसके दिमाग में कोई भी डाउट होगा क्लोजिंग से पहले, राइट, वो आपसे पूछ लेगा, ताकि उसके सवाल जवाब जब खत्म हो जाएंगे तो आप इजीली उसको साइन अप के लिए या प्रोडक्ट सेल करने के लिए बोल सकते हैं. आपने पूछा ही नहीं और आप सीधा बोलोगे चलो भैया आ जाओ ज्वाइन करते हैं, तो बोलेगा नहीं नहीं मैं कल बताऊंगा, फिर उसके एक्सक्यूजेस आते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्लोजिंग से पहले उसके सारे क्वेश्चन खत्म कर दीजिए. पोस्ट प्रेजेंटेशन क्वेश्चन पूछना बहुत अनिवार्य है, राइट. टिप नंबर 4 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज योर अपलाइन स्पॉन्सर. आपको याद होगा आज मैं सुबह ही आपसे बात कर रही थी, मैं बोल रही थी कि हॉट मार्केट में हमें जरूरत ही नहीं पड़ती लोगों को साइन अप कराने की या प्रोडक्ट सेल करने की, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली करते हैं, हमारा ट्रस्ट है, हमारे रिश्तेदार हैं, हम जानते हैं, हमारा क्लोज फ्रेंड है, भैया सब बढ़िया है. लेकिन वॉर्म मार्केट में क्या होगा, हो सकता है क्लोजिंग नहीं होगी, आपको लोग घर में बुला तो लेंगे, हाँ जी भैया आप आ जाना, मीटिंग का टाइम दे दिया आप आ जाना, लेकिन हो सकता है क्लोजिंग ना हो. क्यों, वहां पे पर्सनल क्रेडिबिलिटी नहीं है, वहां पे वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, आपका सगा थोड़ी कि जो आपने बोला वो कर लेगा, आपको बुला तो लेगा चाय पे, मीटिंग के लिए दो लोगों को इनवाइट कर लेगा, लेकिन हो सकता है क्लोजिंग ना हो. वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी आपकी अपलाइन की, तो वहां पे अपने अपलाइन को लेके जाइए. अब आप सोचेंगे यार अपलाइन क्यों जाएगा साथ में, दोस्तों ये हमारे बिजनेस की खूबसूरती है, वी ऑल नो कि अगर आप आगे बढ़ोगे तभी आपका अपलाइन आगे बढ़ेगा, तो वो तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा और आपको आपकी मीटिंग के लिए आएगा. और ये बहुत अच्छा तरीका है, जब भी आप अपने किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको क्या करना है, आप अपने अपलाइन को लेके जाइए, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस कराइए कि ये मेरे गेस्ट हैं और ये मेरे अपलाइन हैं, आज ये चेयरमैन लेवल पे हैं IMC में और आज इनका पेआउट है. बस आपने इंट्रोड्यूस कराया, अब आपको कुछ नहीं करना, आप चुपचाप बैठ जाइए और देखिए कि आपका अपलाइन किस तरीके से बात कर रहा है, वो क्या क्या पूछ रहा है, प्रोस्पेक्ट क्या क्या ऑब्जेक्शंस दे रहा है. आपको सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करना है कि ये मीटिंग किस तरीके से हो रही है, आपको अपने तरीके से कोई सलाह नहीं देनी है. नाउ क्लोजिंग टिप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम प्रेजेंटेशन दोस्तों दे देते हैं, हमारी क्लोजिंग, हमेशा याद रखिए हम ये सारी बातें क्लोजिंग के ऊपर कर रहे हैं, राइट. तो प्रेजेंटेशन देने के बाद, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे सवाल पूछिए जिनका आंसर ही यस हो. क्योंकि दोस्तों खत्म होने के बाद ना हम अपनी प्रेजेंटेशन दे देते हैं, हमने इतनी मेहनत कर ली, हम कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिसमें हम खुद फंस जाते हैं. हम पूछ लेते हैं, हाँ जी सर बताइए अब कैसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, अच्छा बताइए आप, तो वो क्या बोलता है, भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से ना हो पाई, हम नहीं कर सकते, ये हमने सेल किया ही नहीं, हमें तो प्रोडक्ट आता ही नहीं, हमें तो बात करनी आती नहीं. तो हमें ये क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, हमें क्वेश्चन ही ऐसे करने हैं, सवाल ही भैया वो पूछो जिसका आंसर ही हाँ में ही आएगा. ऐसे सवाल कौन से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं, क्या बोलेगा, यस चाहते हैं, क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, यस, राइट. तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ पूछ सकते हैं, जैसे दोस्तों ये क्या करता है, ये एक साइकोलॉजी प्ले करती है, ये एक टेक्निक होती है. जब आप किसी से हाँ 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 बुलवा रहे होते हैं ना, तो आखिर में वो हाँ नहीं होती है,
जब वो हाँ हाँ बोल रहा होगा फिर आप बोलेंगे चलिए साइन अप करते हैं, तो वो हाँ ही बोलेगा। तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि क्या आप अपना रिटायरमेंट डेब्ट फ्री चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी जब रिटायरमेंट हो आप कर्ज मुक्त जीवन जिए। वो क्या बोलेगा, नहीं मैं तो कर्ज में डूब के ही मरना चाहता हूँ। क्या बोलेगा, यस ही बोलेगा ना, हाँ जी मैं चाहता हूँ कि मेरे रिटायरमेंट तक मैं सारे कर्ज चुका कर दूँ, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि सर जिस तरीके से आपने मेहनत करी, आपने इतने चैलेंजेस फेस किए हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी करें, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे इजीली अपने करियर को आगे बढ़ाएं, अपने लाइफ में अपने सपनों को पूरा करें। वो क्या बोलेगा, यस ना, वो थोड़ी बोलेगा कि नहीं मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे भी पूरी मेहनत करें और वो भी इसी तरह चैलेंजेस को फेस करें। वो भी बोलेगा नहीं मैं चाहता हूँ कि उनकी लाइफ अच्छी हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर यस ही हो, राइट। तो ऐसा करने से हम इंस्पायर करते हैं सामने वाले को कि वो यस ही बोले। और जब वो यस यस बोल रहा होगा कि सर फिर आपने मेरे प्रोडक्ट्स दिखाए, राइट, आई एम श्योर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। हाँ जी हेल्दी रहना चाहता हूँ। क्या आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, करता हूँ। तो आई एम श्योर मैं समझता हूँ कि आप अपनी फैमिली को भी हेल्दी भी रखना चाहते हैं और साथ में साथ उनकी लाइफ को भी अपग्रेड करना चाहते हैं। यस बोलेगा। तो चलिए सर आज से ही इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं और ये लीजिए पेन और पेपर और साइन कीजिए और आज से हम अपने बिजनेस को शुरुआत करते हैं। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस पूछिए जिससे आंसर यस ही आए, राइट। क्लोजिंग नंबर टिप 6 क्या कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन क्लोजिंग से रिलेटेड, आप क्लोजिंग करना चाहते हो, ज्वाइन कराना चाहते हो या प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हमें क्या करना है, आफ्टर गिविंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन आपने दे दी, अब हमें उस व्यक्ति से क्या पूछना है कि सर हमें उल्टे को सवाल नहीं पूछने के, सर आपको क्या लगता है। अगेन वो फिर फंस जाओगे आप देने के बाद, वो यही बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो नेगेटिव आंसर्स आ सकते हैं। तो आपको क्या पूछना है, ये पूछना है सर मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया, मैंने आज आपको कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में बताया, आपको मैंने प्रोडक्ट्स बताए, मैंने इतने जबरदस्त आपको डेमो दिखाए, तो आपको एक चीज इसमें से सबसे बढ़िया कौन सी लगी, एक चीज सर प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, सर्विसेज लगी, एक चीज कौन सी बहुत अच्छी लगी। तो अब क्या होगा, कोई ऐसा बेगैरत इंसान कोई होगा जो बोलेगा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, वो बोलेगा ना कुछ तो बोलेगा कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा जी, मुझे प्लान अच्छा लगा, मुझे आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, मुझे कंपनी बहुत बढ़िया लगी, कुछ तो बोलेगा ना, यस और नो, राइट। एक चीज तो बोलेगा, ऐसा तो कोई नहीं होगा 1% भी बोलेगा जी मुझे कुछ ही समझ में नहीं आया, हमें तो कुछ नहीं अच्छा लगा, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो हमें ये नहीं पूछना है कि सर हाँ जी फिर बताइए आपको क्या लग रहा है, अगेन रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं। तो ये पूछिए सबसे अच्छा क्या लगा, कुछ ना कुछ तो बंदा बोलेगा। मान लीजिए वो कहता है कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो आप क्या बोलोगे, यस सर मैं इसीलिए तो आया था, राइट, यही हमारा बिजनेस है कि आप प्रोडक्ट्स को यूज करो और लोगों के साथ में शेयर करो, और जब आप शेयर करोगे लोगों के साथ में बताओगे तो आपको बिजनेस वॉल्यूम आएगा और यही हमारा बिजनेस है, राइट। ऐसे ही हम काम करते हैं, प्रोडक्ट्स को हमें सिंपल यूज करना है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं और लोगों को बताना है, यही हमारा बिजनेस है, राइट। अब मान लीजिए वो कहता है कि मुझे तो बिजनेस प्लान अच्छा लगा, जो प्रोडक्ट समझ नहीं आए, तो आप क्या बोलोगे, फिर से वही, सर यही तो बताने आई थी मैं आपको, यही हमारा बिजनेस प्लान है, प्रोडक्ट्स तो हमारे पास 300 से ज्यादा है, आज तो मैंने आपको 3-4 प्रोडक्ट्स ही बताए हैं, मेरे पास और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे जब मैं आपको बताऊंगा, बट बिजनेस प्लान ही आज मैं आपको समझाने आई थी, यही हमारा प्लान है जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, चलिए आज ही साइन अप करिए और आज से ही शुरुआत करिए। सिंपल, आपको ऐसी ही बात करनी है, आपको बिजनेस अच्छा लगा बहुत बढ़िया है, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा बल्ले बल्ले, हमारा बिजनेस यही है। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव ही बात करनी है, पॉजिटिव ही बताना है, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस अपना आप रखना है, वो जो व्यक्ति बोले यस यही है, बाकी तो मैं आपको और बताऊंगा, और मीटिंग है और आप आगे जानेंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। क्लोजिंग टिप नंबर 7, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्लोजिंग के टाइम पे दोस्तों आपने प्रेजेंटेशन दे दी, आपने बहुत अच्छा बता दिया, नाउ हो सकता है सामने वाले के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, आपको नहीं पता, तो आपको क्या करना है, हमेशा क्लोजिंग से पहले अपने प्रोस्पेक्ट से पूछिए कि सर ये जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी है, आज मैंने आपको बताया हमारी कंपनी के बारे में, ऑन अ स्केल 1 to 10, 10 में से आप इस प्रेजेंटेशन को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, 1 का मतलब है कि बिल्कुल पसंद नहीं आया, 10 का मतलब है कि बहुत बढ़िया है, तो आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, ये आपने पूछना है सामने वाले व्यक्ति से। इससे फायदा क्या है,
दोस्तों फायदा इससे ये होगा कि आपको सामने वाले का इंटरेस्ट लेवल पता चलेगा कि वो आपकी बिजनेस में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, आपकी प्रेजेंटेशन में कितनी इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपको इससे आइडिया पता चल जाएगा और आपको क्लोजिंग में मदद मिलेगी। नाउ मान लीजिए जब हम ऐसा पूछते हैं मोस्टली क्या होगा, लोग आपको नंबर्स क्या देंगे, 6, 7, 8, बहुत बढ़िया है ना, 6, 7, 8 अगर आपको कोई रेटिंग दे रहा है तो इट मीन्स बहुत अच्छा है। मान लीजिए अगर आपको कोई 3 बोलता है, 3 रेटिंग देता है, तो आप क्या करोगे, आप गुस्सा हो जाओगे, नाराज, या ये कैसे मैं इतना बढ़िया दे तो मुझे 3 नंबर दे दिए। हाँ तो दोस्तों 3 अगर वो दे रहा है तो भी इट मीन्स वो इंटरेस्टेड है। सिर्फ हमें क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत और करनी है कि वो 3 का 7, 8, 9 हो जाए। वो कैसे होगा, मान लीजिए आपको कोई 2 बोल देता है, 3 माने, ये याद रखना कि 1 से ऊपर सब बढ़िया है। आपको सिर्फ कोशिश और करनी है, और वो कोशिश कैसे करनी है, आप क्या पूछोगे सामने वाले से कि सर मैं और क्या बताऊं जिससे ये रेटिंग बढ़ जाए, आपको उसी से पूछना है। मान लीजिए उसने आपको बोला 3, 4, 5 जो भी नंबर दिया, अब आपको लग रहा है यार यहाँ तो स्कोप है, इसको ज्यादा समझ नहीं आया या बहुत बढ़िया नहीं लगा है, तो आप क्या पूछोगे, हो सकता है उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल है, तो वो क्लियर करने के लिए आप पूछोगे सर मैं और क्या बताऊं जिससे ये रेटिंग आपकी बढ़ जाए। तो इससे क्या होगा, अब अगेन वो ओपन होगा, उसके दिमाग में डाउट जो होंगे आपसे शेयर करेगा, और उसको ध्यान से सुनिए और अकॉर्डिंगली, मान लीजिए प्रोडक्ट में डाउट था थोड़ा सा और बता दीजिए कि यार ये प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा था, मान लीजिए प्लान में डाउट है तो उसको और एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर क्लोजिंग पे जाइए। ऑलराइट, नाउ इतना होने के बाद अब क्या करना है, क्लोजिंग टिप नंबर 8 क्या कहती है, अब ये आती है बाउंस बैक टेक्निक। आपका बाउंस बैक, अब आपका टाइम आ गया है, आपने सब समझा दिया, सब बता दिया, पूरी मेहनत लगा दी, आपने कन्विंस कर दिया सामने वाले को, अब बाउंस बैक टेक्निक आती है। अब आपका सवाल जाएगा उस व्यक्ति की तरफ, सबसे पहला हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछिए बंदे से। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज जॉब कर रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन, कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है जिसके पास आप गए हैं, प्रोस्पेक्ट के पास जॉब कर रहा है, 30-40 हज़ार रुपये कमा रहा है और आपके बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, तो वो कितना चाहेगा कि कितने पैसे मिल जाए उसको पार्ट टाइम IMC करने से, 1 लाख रुपए महीना, 60,000, 70,000, कितना सोचेगा? जो व्यक्ति 9 घंटे काम करता हो जॉब में, उसकी अपेक्षा कितनी होगी? जितना जॉब करता उतना तो होगा, जहां पे वो 9 घंटा दे रहा है, जहां पे आपको पार्ट टाइम में वो काम करेगा, 20-30 हज़ार, इतना ही सोचेगा पार्ट टाइम में, राइट? तो मान लीजिए आपको अब क्या करना है, आपको उससे ये क्वेश्चन पूछना है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, कि सर मान लीजिए अगर आप हमें पार्ट टाइम ही जॉब करते, पार्ट टाइम ही आज आप हमें ज्वाइन करते हैं, तो आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं IMC से? ये क्वेश्चन रेज करिए कि सर मान लीजिए आप हमें पार्ट टाइम ही ज्वाइन करते हैं, तो आप उस पार्ट टाइम में आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, राइट? आपने ये क्वेश्चन सामने वाले के पास थ्रो कर दिया। अब आपको कुछ उस पर बताना नहीं है कि नहीं सर आप तो 30 बोल रहे हो, आप तो लाखों कमा सकते हो, नो, कोई सलाह मत दीजिए, सिर्फ सुनिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको क्या बोल रहा है। अगेन आपको इंटरेस्ट पता चलेगा और व्यक्ति कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है आप में वो भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में बाउंस बैक टेक्निक में आपको पूछना है कि सर आपने बताया कि आप 30,000 रुपया महीना आप IMC से कमाना चाहते हैं, तो आप कितने घंटे एक दिन में लगा सकते हैं इस पैसे को कमाने के लिए, आप कितने घंटे एक दिन में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस अमाउंट को पाने के लिए, आपने ये सवाल पूछना है। अगेन अब आपको कुछ भी बोलना नहीं है, नहीं सर आप तो कम बता रहे हो, आप तो ज्यादा बता रहे हो, आप तो इतना करके इतने पैसे कमा लोगे, या आप ज्यादा बताइए, आपको सजेशंस नहीं देनी, सिर्फ सुनना है। एंड फाइनली आपको तीसरा क्वेश्चन पूछना है कि सर आपने बताया कि आपको 30,000 रुपये कमाना है, आप घंटे, आप दिन में 2 घंटे दे सकते हैं, तो अब ये बताइए कि आप इतने पैसे को कमाने के लिए कितने मंथ, कितने महीने डेडिकेटेडली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि वो व्यक्ति आपके साथ कितना लंबा रहने का, इस बिजनेस में आने का सोच रहा है, उसका इंटरेस्ट लेवल आपको और डेप्थ में जाके पता चलेगा और हेल्प मिलेगी आपको उस व्यक्ति को क्लोजिंग करने में, राइट? तो ये हमने उससे पूछना है। अब क्या करना है, अब आती है दोस्तों बारी हमारे ही वो बाण चलाने की बाउंस बैक टेक्निक में, कि आपने पूछ लिया कि भैया आपको कितना पैसा कमाना है,
घंटे कितने लगा सकते हो और महीने कितने लगा सकते हो, अब बारी आती है ये पूछने की कि सर अगर मैं आपको बता दूं कि आप इतना पैसा दिन में इतने घंटे लगा के इतने महीने अगर आप रेगुलर काम करते हैं तो आप ये पैसे कितने दिन में कमा लेंगे, तो क्या आप रेडी हैं इसको करने के लिए? अब आपने क्या किया, आपने सब कुछ बता दिया पहले उसको और आपने उसी के ऊपर ये सवाल छोड़ दिया। उसी व्यक्ति ने आपको बताया कि वो इतने इतने पैसे कमाना चाहता है, इतने घंटे लगा सकता है और इतने महीने लगा सकता है, और आपने आप उससे ये पूछ लिया कि अगर मैं आपको बता दूं कि आप ये इतने दिन में इतना इतना टाइम लगा के आप कर सकते हैं तो आप करेंगे, तो अब क्या बोलेगा व्यक्ति? अब आपने चारों खाने चित कर दिए, अब कोई आपने स्कोप ही नहीं छोड़ा बंदे के पास कि वो आपको ना बोले, राइट? तो ऐसे में क्या करेगा वो व्यक्ति, आपको यस ही बोलेगा और पॉजिटिव ही आंसर करेगा, राइट? क्योंकि हर व्यक्ति दोस्तों अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और व्यक्ति जब खुद बात कर रहा है तो वो डेफिनेटली आपको यस बोलेगा। टिप नंबर 12 फॉर पावर क्लोजिंग, दोस्तों ये कई लोग मिस करते हैं, मोस्टली नेटवर्कर्स, मोस्टली जो लोग हैं इस सवाल से कतराते हैं। दोस्तों आपने इतनी मेहनत करी, आपने समय निकाल के आपने प्रेजेंटेशन दिया और आप ये पूछते ही नहीं है, आपको लगता है कि आपने इतनी मेहनत कर ली, सब कुछ बता दिया, आपको लगता है सामने वाला व्यक्ति खुद बोलेगा कि सर मुझे ज्वाइन करा लो, हाँ जी मुझे ये सारे प्रोडक्ट दे दो और मुझे ज्वाइन करा लो, प्लीज मुझे ज्वाइन करा लो। नहीं, ये आपका हक है पूछना कि सर मैंने आपको ये प्रेजेंटेशन बताई, ये बताइए तो चलिए हम कब साइन अप कर सकते हैं, चलिए आज ही साइन अप करते हैं और आज से ही शुरू करते हैं। दोस्तों सेल के लिए पूछिए कि सर बताइए कितने तुलसी मैं आपके लिए पैक कर दूं, बताइए मैं कितने आपको एलोवेरा दे दूं, बताइए कौन कौन से प्रोडक्ट्स आज आपको बहुत अच्छे लगे मैं कौन कौन से दे दूं, राइट? कि सर आपने बताया आपको एलोवेरा बहुत अच्छा लगा तो चलिए बताइए मैं आपको कितने दे दूं। तो आपको ये सेल, आपको क्लोजिंग खुद पूछनी पड़ेगी, वो व्यक्ति नहीं पूछेगा आपसे, राइट? और ये करना दोस्तों आपका हक है। अगर बिजनेसमैन सेल्समैन अगर पूछेगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली सेल नहीं आएगी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ये आपको पूछना है। अब दोस्तों क्या होता है, इतनी प्रेजेंटेशन के बाद अब मैं बात करने जा रही हूँ फॉलोअप एंड क्लोज पे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, हमने बहुत बार देखा कि जब हम अपनी अपॉर्चुनिटी शो कर देते हैं उसके बाद भी लोग आपको कुछ एक्सक्यूजेस देते हैं और कहते हैं कि मैं आपको कल बताऊंगा, बाद में बताता हूँ, मैं पूछ के बताऊंगा, मैं दोस्तों से डिस्कस करूंगा, मैं पापा से पूछूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, राइट? ये सब क्या है, ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। अगर वो आपको ये एक्सक्यूजेज की सीढ़ियाँ देता है तो भी डोंट वरी, आपको क्या करना है, आपको करना है फॉलोअप। और ये थ्योरी दोस्तों क्या कहती है, ये है थ्योरी हमारी 24/6, यानी क्या है ये, क्या है 24/6, यानी आपको उस व्यक्ति से फॉलोअप लेना है, फॉलोअप लेना है लगातार 6 दिन के लिए, 24 घंटे में से एक बार, लगातार 6 दिनों के लिए आपको उससे डेली फॉलोअप लेना है। क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखिए, आपने प्रेजेंटेशन दी, आपने सब समझाया और व्यक्ति एक बार गया तो वो सब भूल जाएगा, वो अपनी दुनिया में दोबारा से मस्त हो जाएगा। तो डेली आपको 24 घंटे में से एक बार फोन करके पूछना है कि सर आपने बोला था आपको बिजनेस प्लान बहुत बढ़िया लगा था, तो चलिए बताइए आपकी हम कब से शुरू कर सकते हैं, मैं कब आपकी आइडिया लगाऊं या साइन अप करने कब आऊं, सर आपने बोला था आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा तो चलिए बताइए हम कब से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो ये फोन करके फॉलोअप आपको लेना है। आपने सुना है ना वो गरम गरम खाने में अच्छा लगता है, या गरम हथौड़ा लोहा हो तभी हथौड़ा मारे, तो ठंडा हो जाएगा तो सब खत्म, व्यक्ति आपको क्या, बिजनेस सबको भूल जाएगा अगर आप फॉलोअप नहीं लेंगे। तो फॉलोअप बहुत जरूरी है। और आपको क्या लगता है, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, आपने देखा होगा उसके घर में कोई ना कोई नेगेटिव व्यक्ति जरूर रहता है जो उसको नेगेटिव करता है, और वो क्या होता है, जब भी वो व्यक्ति जाता है ये बोल के कि मैं आपको कल परसों बताऊंगा, दोस्तों से पूछूंगा, तो वो लोग उसको क्या जवाब देंगे, क्या सलाह देते हैं कि भाई ये सब कुछ नहीं होता, ये कुछ काम नहीं करता, ये सब बकवास है, ऐसे हमने बहुत सारी कंपनियां देखी हैं जो आती हैं जाती हैं, बहुत कम लोग इसमें कामयाब होते हैं, ऐसी सलाह सुनने को मिलती है ना, लोग ऐसे ही नॉर्मली जवाब देते हैं जब लोग सलाह लेने जाते हैं अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है दोस्तों, अब भी अगर वो व्यक्ति नहीं आ रहा है तो अभी भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। अब आपको फॉलोअप में क्या करना है कि उस व्यक्ति को दोबारा से ट्रेनिंग में लेके आओ, अगर वो मना कर रहा है उसको दोबारा से कोशिश करिए कि ट्रेनिंग में लेके आओ, जो भी आपके यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, जूम पे हो रही है या कभी जब फील्ड में होगी, तो आप उसको कोशिश करिए दोबारा से ट्रेनिंग में लेके आओ, उसको बोलिए सर मेरे कहने पे आप एक बार ट्रेनिंग आप अटेंड कर लीजिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, तो मेरे कहने पे आप इतना नहीं कर सकते,
तो मेरे कहने पे आप एक बार ये ट्रेनिंग अटेंड करिए, कोशिश करिए उसको दोबारा लेके आओ। सेकेंड, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको प्रमोशनल टूल्स दे सकते हो पढ़ने के लिए, जिससे वो मोटिवेट हो। तीसरा क्या कर सकते हो, अगर मान लीजिए फैमिली में कोई नेगेटिव है, पापा मना करते हैं, मम्मी मना कर रही, वाइफ मना कर रही, तो आप उसके घर पे जाइए और घर में ही प्रेजेंटेशन दीजिए और उनके साथ बात करिए। उससे क्या होता है, उससे नेगेटिव थॉट्स क्लियर होते हैं। कई बार लोगों को लगता है यार ये पैसे का काम है ना, या तो मनी इन्वेस्ट करो या पता नहीं सेल्स का काम है, तो लोगों को आप डेमो दिखाइए। दैट इज द नाइस वे टू कन्वर्ट पीपल, आप लोगों को डेमो दिखाइए, ये सबसे पावरफुल तरीका है क्लोजिंग का, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो कर सकते हो, राइट? सो दैट वो मोटिवेटेड फील हो, आप उसको ट्रेनिंग टूल दीजिए। आप अपने अपलाइन की डीवीडी दिखाओ, आजकल फोन में ही आप दिखा सकते हो। आप उसको अपने सक्सेस जर्नी सुनाइए अपने लीडर की, कि उसने शुरुआत कैसे करी, आज वो कितने लेवल पे पहुंच गए, कितना पैसा कमा रहे हैं, उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई है, ताकि वो मोटिवेट हो। या फिर अपने अपलाइन के साथ उसको कनेक्ट कीजिए, बहुत सारे तरीके हैं फॉलोअप करने के, राइट? अपलाइन के साथ जरूर आप दोस्तों उसको कनेक्ट कीजिए, जब भी आप चाहे उसको मिलने जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, फोन पे, आप अपने अपलाइन के साथ उसको जरूर कनेक्टेड रखिए। एंड एंड में उसको ये बोलिए कि सर आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है, एंड में क्या बोल सकते हैं आप, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर इस बिजनेस को करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, जितना पैसा आप लगाओगे, पैसा तो लगाना पड़ेगा ना, ज्वाइनिंग इज फ्री, लेकिन बिजनेस को करने के लिए प्रोडक्ट तो खरीदना पड़ेगा, राइट? कुछ तो पैसा लगाओगे, तो जो भी आप पैसा लगा रहे हो इस बिजनेस में, जो इन्वेस्ट करोगे, उतने का तो आपको प्रोडक्ट ही मिल जाएगा, इनफैक्ट आपको फायदा ही होगा, तो इसको करने में कोई हार्म नहीं है, और ये आप अपने घर से ही कर सकते हैं इस बिजनेस को। तो आप उसको इस तरीके से बोल सकते हैं, सो दैट वो मोटिवेट हो और आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाए, राइट? एंड हमेशा दोस्तों याद रखिए कि हर व्यक्ति अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहता है, और फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो हम उसको क्या करते हैं, कन्विंस तो करते ही हैं, राइट? और फुलफिल करने के लिए हमें लॉट्स ऑफ कस्टमर्स और एसोसिएट्स चाहिए हमारे साथ, जो हमें आगे लेके जाएगा। अब मान लीजिए अब कितनी मेहनत के बाद भी वो बोलता है जी नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर भी नहीं अभी बताऊंगा, तो आप क्या करोगे? फिर भी हमारे पास एक लास्ट में अस्त्र शस्त्र बचता है जो आप चला सकते हो। रामबाण क्या हो सकता है, उसको एक काम करिएगा, उस व्यक्ति को बोलिए एक पेपर ले लो, ठीक है? आप एक पेपर लो, उसमें बीच में डिवाइड कर लो, दो हिस्से कर लो, एक पे लिखिए 2000 रुपए, ठीक है? एक साइड लिखो 2000 रुपए, और एक साइड में उस व्यक्ति को बोलिए सर अच्छा चलिए बताइए आपके सपने क्या क्या है। वो क्या बोलेगा, सर एक घर होना चाहिए एक बढ़िया सा, है ना? तो सर लिखिए, वो लिखेगा अपना घर। सर और क्या सपने, सर एक घर हो गया, एक गाड़ी अच्छी सी हो जाए, तो अपना सर लिखिए अपना गाड़ी लिखेगा। सर और क्या सपने लाइफ में, सर बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, सर लिखिए, बोलो उसको लिखो, वो लिख लेगा। अब आप क्या बोलोगे, एनीवन क्या बोल सकते हैं, अब उसने एक तरफ लिखा है 2000, एक तरफ लिखे हैं उसके सपने, तो अब आप पूछेंगे उससे तो सर इसमें से बताइए आपके लिए क्या चीज बड़ी है, आपके सपने या ये 2000 रुपए। क्या बोलेगा व्यक्ति, मेरे सपने, ऑब्वियसली सपने बड़े हैं, राइट? तो जब वो ऐसा बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, तो सर क्या आप अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए 2000 रुपए नहीं लगा सकते, 2000 रुपए के प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, राइट? तो क्या करेगा, अब कुछ नहीं बचा उसके पास, नो एक्सक्यूज, सपने बड़े हैं ना भैया, 2000 रुपए बड़े नहीं है। अब वो खुद अपने मुंह से बोलेगा कि सपने बड़े हैं, तो सर क्या आप अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए ये छोटी सी रकम 2000 रुपए नहीं लगा सकते, तो क्या होगा, he will definitely say yes, और वो करने के लिए रेडी हो जाएगा, राइट? और आप इस तरीके से उसको मोटिवेट कर सकते हो, तो हमारे पास ये लास्ट में रामबाण बचता है जो आप इसको चला सकते हो, राइट? तो दोस्तों ये थी हमारी सेशन 3, जिसमें ये 12 पावरफुल टिप्स आपको हेल्प करेंगे आपकी पावर क्लोजिंग में। आप चाहे जूम पे करिए, फोन पे बात करिए, 1-to-1 मीटिंग्स करिए, जब आपका जहाँ जहाँ पे भी फीजिबल है, जब आप शुरू करेंगे दोबारा आफ्टर लॉकडाउन। आई होप आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगेंगी, आप अच्छी क्लोजिंग कर पाएंगे। हमारा समय खत्म हो रहा है, हम दोबारा से सेशंस करते रहेंगे, अगर कोई भी दिक्कत है, कहीं नहीं समझ में आएगा, हम इसको रिपीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन,
आप सभी लोग ज्वाइन हुए, टाइम से ज्वाइन हुए, आप लोग ने इतना हिस्सा लिया, आप लोग आते हैं तो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुनील मल्होत्रा, मेरा यूट्यूब चैनल मल्होत्रा जी मोटिवेशन। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपका दोस्त सुनील मल्होत्रा, धन्यवाद।